अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बग़ैर ओवन के कुकीज़ की रेसिपी लेकर आए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बटर लेंगे, ये मेरे पास है 200 ग्राम और यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से बीट करना है। बीट करने के बाद अब हम यहाँ पर शुगर पाउडर लेंगे, ये मेरे पास है 1 कप, ये ऐड करेंगे और दोबारा से हम इसे बीट करेंगे। अब हम यहाँ पर 1 अदद अंडा लेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको भी हम साथ बीट करेंगे। बीट करने के बाद अब हम यहाँ पर वनीला एसेंस लेंगे, ये मेरे पास है 1 टीस्पून, ये ऐड करेंगे, इसे भी हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पर 2 कप मैदा लेंगे, ये ऐड करेंगे और इसे हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे पाइपिंग बैग, इसमें हम इसे फिल करेंगे। पाइपिंग बैग में इसको भरने के बाद अब हम यहाँ पे बिस्किट की शेप देंगे, यहाँ पे हम मोड़ लेंगे और इसको हम ग्रीस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें बटर है। तो अब यहाँ पे हम तमाम जो बिस्किट हैं इनको शेप देंगे। अब यहाँ पर हम चेरी लेंगे और इस चेरी को हम यहाँ पे इस तरीके से पुट करेंगे। तमाम बिस्किट पे हम ये चेरी लगाएंगे। अब हम इसे बेक करेंगे। साथ हमने यहाँ पे पतीले को पहले प्री हीट कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर इस मोल्ड को प्लेस करेंगे। यहाँ पे हमने इसे लो फ्लेम पे बेक करना है, तो तकरीबन हम इसे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम इन्हें निकाल के एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। जो बाकी हैं उनको भी हम इसी तरीके से बेक करेंगे। बाकी बिस्किट भी हम इसी तरीके से बेक कर लेंगे, इनको हम कर देंगे साइड पे। अब हम यहाँ पर दोबारा से मोड़ लेंगे और अब हम आपको बहुत ही इजी वे से बनाना बता रहे हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आपके पास जो कटर हैं आप उनकी मदद से भी इसे बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब जो हमने सबसे पहले बिस्किट का बैटर तैयार किया था वो हम यहाँ पे फैला देंगे। नहीं अभी ना बंद करना। अब इसे बंद करो। अच्छी तरह से हमने बैटर फैला लिया है, तो अब यहाँ पर हम कोई भी आप कटर लेंगे जिस शेप में आपको बनाने हैं इस तरीके से हम इन्हें कट करेंगे।
इस शेप में बनाने के बाद अब हम इन्हें भी बेक कर लेंगे। फाइनली हमने इन्हें भी बेक कर लिया है, तो अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। फाइनली बिस्किट बनके बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our